जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई जर्नी में। वैसे मैं निकल रहा था अभी बैपनहली मेट्रो स्टेशन से क्रांतिवीर संगरोली रायना बैंगलोर सिटी रेलवे स्टेशन तक। वहाँ से मैं लेने वाला हूँ शताब्दी का एग्जीक्यूटिव क्लास। मैं निकल रहा था चेन्नई के लिए अर्जेंटली काम से, सोचा मेट्रो की थोड़ी सी आपको ग्लिम्स दिखा दूँ और साथ साथ कैसे आपको क्रांतिवीर संगरोली रायना मेट्रो स्टेशन से उतर के हमारे रेलवे स्टेशन तक आना है वो भी थोड़ा दिखाऊँगा। चलते हैं जल्दी से अंदर और आपको सबसे पहले दिखाते हैं यहाँ की मेट्रो और उसके बाद आगे की जर्नी आप इन्जॉय करोगे मेरे साथ। बैंगलोर मेट्रो तो दोपहर में भी पूरी पैक है। देखो 3 बजे हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। भाई बैंगलोर मेट्रो थोड़ा थोड़ा स्पीड पकड़ना शुरू कर चुकी है और हम लोग काफ़ी हाइट में, मतलब फ्लाईओवर जैसा बना रहता है उस पर चल रहे हैं। अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन कुछ ऐसे बने होते हैं यहाँ पे बैंगलोर में, आप देख लो मस्त लाइटिंग वगैरह है, प्रॉपर एसी चल रहा है। क्यों मोहित भाई कैसा है? बढ़िया। अपने शताब्दी के इंटीरियर देखते हैं कि एग्जीक्यूटिव क्लास के कैसे होते हैं। अनुभूति में तो एक बार ट्रैवल किया था, वो तो वर्थ नहीं है बिल्कुल भी ज़रा सा भी, इसलिए इस बार जानबूझ के अनुभूति छोड़ के एग्जीक्यूटिव में कराया। देखते हैं इसका जो एक्सपीरियंस है वो कैसे रहता है। एग्जीक्यूटिव ज़्यादा कम्फर्टेबल था और मतलब किराया भी अनुभूति का ज़्यादा है उससे। देखते हैं क्या है सर्विस। मात्र 28 मिनट लगे हैं मेरे को बैपनहली से क्रांतिवीर संगरोली रायना मेट्रो स्टेशन तक आने के लिए। आपको नाड प्रभु वाला जो स्टेशन है वहाँ नहीं उतरना है, उसका अगले स्टेशन पे उतरना है, ठीक है? और उसके बाद आप पहुँच जाओगे स्काई वॉक पे, जहाँ से होते हुए आप अपने प्लेटफॉर्म्स पे जा सकते हो। हाँ, बैंगलोर राजधानी यहाँ खड़ी हुई है। अभी हम लोग जा रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म पे जहाँ शताब्दी आएगी। यार बैंगलोर का रेलवे स्टेशन ना बिल्कुल नीट एंड क्लीन, एकदम चमचमा रहा है। यहाँ पे आए हम लोग, मौसम एकदम खुला खुला सा है। 1 घंटे बाद लगभग हमारी ट्रेन आप समझ लीजिए, क्योंकि 4:00 तक यहाँ पे आ जाएगी। 4:15 के डिपार्चर टाइम है, देखते हैं कब तक ट्रेन यहाँ पे आएगी। अभी यहाँ पे हल्ली मैंने का रेस्टोरेंट भी, अगर आपको खाना पीना चाहो ना तो आपको प्लेटफॉर्म नंबर 7-8 के बीच में मिल जाएगा। यहाँ पे आप खाना पीना बढ़िया खा सकते हो, चाय कॉफ़ी बढ़िया मिलेगी। उस तरफ मैगी का काउंटर है, उसके बाजू में नंदिनी का मिल्क, आप दूध वाला कुछ आइटम ले सकते हो, वरना मैगी का काउंटर है। यहाँ पे आपको सूप, लेमन टी, मैगी, बहुत सारी वैरायटी सब मिल जाएगा, कुछ यहाँ से ले सकते हो आप। चलती है मैसूर से, फिर बैंगलोर सिटी आती है 4:15, 5 मिनट का यहाँ पे हॉल्ट टाइम। इसके बाद काठपाड़ी जंक्शन पहुँचती है शाम में 7:23, जहाँ पे 2 ही मिनट का हॉल्ट है। फिर चेन्नई हमें रात में 9:30 पहुँचाती है। आज इसकी सर्विसेज और बाकी चीज़ों का रिव्यू किया जाएगा। वैसे तो भाई इसका रंग पूरा उतरा हुआ है ईवन का शताब्दी के, अंदर से देखते हैं क्या हाल है। क्लास का इंटीरियर कुछ आपको ऐसा मिलेगा। यहाँ पे सीट्स में देख लो नेक रेस्ट वगैरह दिया गया है, हाँ, बट नीचे कुछ नहीं है, पैरों के लिए काफ रेस्ट वगैरह नहीं दिया है, पर सीट्स कुछ ऐसी दिखती हैं। यहाँ पे आप देख लो विनाइल कोटिंग वगैरह सब कुछ दिया गया है। चार्जिंग सॉकेट यहाँ पे, मेरे को तो भाई ये वाली सीट मिली है तो उसमें तो विंडो वगैरह का कोई भी सीन नहीं यहाँ पे, हाँ, बट कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेंगे यहाँ पे। टाइम होश का यहाँ पे हमारे डिपार्चर का और वेट कर रहे हैं ट्रेन को स्टार्टर सिग्नल देने का, गाड़ी को सिग्नल भेज का। लेकिन लोगों को देखिए डिपार्चर होने के बाद भी आते रहते हैं, मतलब कोई भाई प्लीज़ ऐसे समय से आ जाया करो यार। तो लास्ट मिनट में हड़बड़ी, कूली को लेकर, सामान को लेकर बहुत दिक्कत वाली चीज़ होती है। तो लास्ट मिनट में लोग चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रेन का हॉन्ग हो चुका है, सब कुछ हो गया है। सीनियर सिटीजन हैं, जैसे तैसे यहाँ पे उन्हें गाड़ी में पहुँचाया जा रहा है। जल्दी जाने की कोशिश करनी चाहिए। तो भाई फिर मिलते हैं कल सुबह वापसी इसी में, वापसी इसी में मेरा आता हूँ कल, चलो बाय बाय। बाकी शताब्दी अपनी एकदम ऑन टाइम निकल चुकी है, बट लोगों का क्या कहें भाई, ट्रेन को कितना भी आप समय दे दो स्टेशन में, भले ही बिफोर पहुँचा दो, लोगों को लेट ही आने में मज़ा आता है। और जैसे तैसे सीनियर सिटीजन थे और भी 2 लोग थे, चढ़ाया गया उन्हें, कूलियों ने चढ़ा दिया अंदर ही अंदर। अब वे कनेक्टेड है तो अपने सीट तक तो पहुँच ही जाएंगे। कि गार्डन सिटी बैंगलोर से अपना जो डिपार्चर है वो हो चुका है। काफ़ी बढ़िया बनाया गया स्टेशन को, सुविधाएं आपको हर तरह की मिल जाएंगी यहाँ पे, खाने पीने से लेकर, मतलब एसी क्लास में अगर आपका टिकट है तो वेटिंग रूम, डॉर्मेट्री, टायर रूम सब कुछ मिल जाता है। इस बिल्डिंग के उस साइड जो ट्रैक जाते हैं ना वो यशवंतपुर वाले, वही आगे हुबली, यलंका, बाकी रूट से निकलते हैं हम लोग, चेन्नई लाइन में बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे मैसूर कोच्ची वाली एक्सप्रेस खड़ी हुई है, ये भी हमारे पीछे पीछे छूटेगी ऐसे लगभग 5 बजे के आसपास।
कोयम्बटूर लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस वे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। भाई यही लोग थे, रह गए थे, अब धीरे धीरे करके अपनी सीटों तक पहुंचेंगे। बुरा तो लगता है लेकिन क्या करें, समय से पहुंचना पड़ेगा ना। बाकी अनुभूति का इंटीरियर आप देख लो, साफ़ सफाई वगैरह तो दी गई लेकिन बाहर से कोच काफ़ी गंदा था अपना। गाड़ी खुलती है, पहली चीज़ जो है छोटी सी आधे लीटर पानी की बोतल मिलती है। वंदे भारत में 1 लीटर और शताब्दी में अभी भी हाफ लीटर की बोतल मिलती है। की बात की जाए तो आपको इसके अनुभूति क्लास में 1975 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, एग्जीक्यूटिव क्लास में 1735 और चेयर कार में 1130 रुपीज़ के आसपास आपको पे करना पड़ेगा इस शताब्दी में अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो, जिसमें आपका इवनिंग स्नैक्स एंड सूप और डिनर तीनों ही चीज़ें इंक्लूडेड हैं एग्जीक्यूटिव एंड अनुभूति क्लास में। बाकी ट्रेन अपनी अभी बैंगलोर कैंट स्किप कर चुकी है अच्छे से, अब सीधा आपको मैं केआरपुरम का स्किप दिखाता हूँ। ट्रैक जा रहे हैं ना, वो जा रहे हैं सेलम लाइन की ओर, उसी ओर धर्मपुरी सेलम सब यहीं पे बढ़ता है। चलते ही आपका इवनिंग स्नैक्स जो है वो आ जाता है, इसमें आपको पतीसा मिल जाएगा, वाइप मिल जाएगा, साथ में सैंडविच है और साथ में यहाँ पे कैशू भी है, कचौड़ी भी है यहाँ पे, भाई देखेंगे टेस्ट कैसा है। बाकी चाय बनाने के यहाँ पे व्यवस्था भी है जिससे चाय बना सकते हो। यहाँ पे गर्म पानी दे दिया गया था, उससे अपनी चाय जो है यहाँ पे हमने तैयार कर ली है डिप्टी। बाकी समोसा तैयार, कचौड़ी नहीं थी, टेस्ट देखते हैं कैसा। जब 2 क्रीमर डाले उसके बाद जाके तो ठीक ठाक बन गई चाय। समोसा देख लेते कैसा है, पहला मेन चीज़ साउथ अमेरिकन नॉर्थ की डिश जो है उसे ट्राई करना, ये एक्सपीरियंस नहीं होने वाला है। बिल्कुल ही बढ़िया, एकदम स्वादिष्ट बनाया समोसा। सैंडविच में मेयोनीज भी एक तो भरी हुई है, ये भी काफ़ी सही बनाया। बाकी जो आइटम है सारा पैक्ड आइटम है तो उसका कैरी भी करें, लेकिन जो बन की चीज़ आएंगी ना ये स्वादिष्ट बनाए, तो यूनिक स्नैक्स को तो 10 में 10 रेटिंग दी जाएगी, ये बढ़िया देखा है। बाकी देखते हैं डिनर में क्या असर होता है, उसका स्वाद कैसा होता है।
साउथ में नारियल के पेड़ बहुत खूबसूरत लगते हैं। जैसे आप लोगों को बता दूँ, ट्रेन का हमारा अगला हॉल्ट सीधा कातपाड़ी है, तो बंगार पेट और जोलार पेट जैसे बड़े जंक्शन रेलवे स्टेशन में ट्रेन को हॉल्ट नहीं दिया गया है। साफ़ सफाई की ज़रूर मैं दाद देना चाहूँगा साउथ में। अगर आप देखेंगे ना, प्लेटफॉर्म वगैरह काफ़ी साफ सुथरे हैं। पाँच हो रहे हैं और हमारी ट्रेन ना जोलार पिटाई जंक्शन को स्किप करने जा रही है। बहुत सारे स्टेशन को स्किप किया आप लोगों ने देखा, और साउथ के सुंदर सुंदर नज़ारे आप लोगों ने देखे, कैसे लगे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। जोलार पेट के बाद सीधा आप बड़ा स्टेशन की बात किया तो वो कातपाड़ी होता है, तो कातपाड़ी में ट्रेन तो रुकेगी, बाकी और कहीं स्टॉप नहीं है। शताब्दी है भाई, ऐसी वैसी ट्रेन नहीं है। मज़ा तो मेरे को इस जर्नी में काफ़ी आ रहा है, पर इस लगभग 5.5 घंटे की जर्नी के लिए खर्चा भी बहुत हुआ है। लगभग आप समझ लीजिए 1770 रुपीस इतना मैंने पे किया है इसके एग्जीक्यूटिव क्लास में ट्रैवल करने के लिए, क्योंकि और कहीं भी कंफर्म होने का चांसेस दिख नहीं रहा था मुझे किसी ट्रेन में। फ्राइडे का दिन था, रात की ट्रेन और बाकी जितनी भी गाड़ियाँ सब मैं प्रीमियम तत्काल भी भर गया था, और मुझे चेन्नई आज जाना ही था, तो आखिरकार मुझे इस ट्रेन को लेना पड़ा। बाकी कन्फर्म होने के चांस और कहीं नहीं थे, और केवल एग्जीक्यूटिव क्लास ही ऐसा था जहाँ पे कन्फर्म मोशन के चांस जाते, क्योंकि इसमें दो कोच लगते हैं एग्जीक्यूटिव क्लास में, अनुभूति का भी एक ही लगता है। चेयर कार वगैरह तो भयंकर वेटिंग में था, इवन तत्काल में वेटिंग 40 चल रही थी। कोई तो ट्रेन वहाँ पे खड़ी है तिरुवनंतपुरम बाउंड, जिसको डिपार्चर सिग्नल जो है वो मिला है जोलार पिटाई जंक्शन से। चेन्नई सेंट्रल तिरुवनंतपुरम, हमारी ट्रेन को सिग्नल नहीं मिला हुआ है, तो ये अब यहाँ पे शायद रुकेगी। और जोलार पिटाई के वड़ा सांभर जो होता है ना, वो तो बहुत ही अच्छा होता है जोलार पिटाई का। हमारी ट्रेन का रेगुलर स्टॉप नहीं, इसलिए कोई भी वेंडर यहाँ पे आया नहीं, वरना तो ट्रेनों के आगे भीड़ लग जाती है वेंडर्स की। ताज़े बड़े बन भी रहे हैं, और अंदर यहाँ पे अंदर देख लो, ताज़े बड़े बन भी रहे हैं, और यहाँ पे भैया बस लेकर के आने वाले हैं। देखो अगर आ गया तो ट्राई करते हैं ज़रूर लेकर के। जोलार पिटाई को जंक्शन इसलिए कहते हैं ना, क्योंकि यहाँ से तिरुवनंतपुरम वाली लाइन जो कि सेलम कोयम्बटूर होते हुए जाती है, वो मर्ज होती है हमारी बैंगलोर वाली लाइन से, इसलिए एक इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन बन जाता है। खैर हमारी ट्रेन को डिपार्चर सिग्नल नहीं मिला था, तो अच्छा खासा यहाँ पर हॉल्ट भी मिल गया है। अब सूप स्टिक को रिप्लेस कर दिया सूप बन से, एंड यहाँ पे बटर एंड सूप का पूरा सामग्री यहाँ पे आ चुका है। पहले पूछे तो मुझे सूप स्टिक वाला कॉम्बो ज़्यादा सही लगता था इस बन वाले कॉम्बो से। खैर बन सॉफ्ट है, चीज़ तो मैं कहूँगा, सूप भी ठीक है। फिर अब हमारे जाकर जोलार पेटी से निकल रही है, मतलब 20-25 मिनट से तो यहीं पे खड़ी है, टाइम पास हो रहा था बस। बन तो बहुत सॉफ्ट है, पर सूप स्टिक ज़्यादा सही लगता है मेरे को पर्सनली। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना ज़रूर।
शताब्दी एक्सप्रेस ओवरटेक कर रही है नागरकोइल मुंबई एक्सप्रेस को। दुलारपेटे में इसको हमसे आगे आगे निकाल दिया गया था और यहाँ पे वापस से ओवरटेक करवा रहे हैं। लॉजिक तो मुझे समझ नहीं आया, तो चलो कोई बात नहीं, मेलपट्टी पे इसका ओवरटेक हो रहा है यहाँ पर। नंबर 16340 नागरकोइल छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई। सामने से कौन सी ट्रेन आ रही है? वो है चेन्नई बेंगलोर शताब्दी एक्सप्रेस और हम लोग हैं मैसूर चेन्नई शताब्दी में। शताब्दी मतलब शताब्दी। SMVT दानापुर स्पेशल। यहाँ पे हमारी ट्रेन पहुँच रही है कातपाड़ी जंक्शन। 7:23 का अराइवल टाइम था, 2 मिनट का हॉल्ट टाइम, पर यहाँ पे हम लोग पहुँच रहे हैं 7:30 पे, 7 मिनट्स के डीले के साथ। कातपाड़ी जंक्शन के बारे में आप लोगों को बताऊं तो यहां से अगर आपको तिरुपति जाना है या रेणीगुंटा तरफ होते हुए आपको विजयवाड़ा वाली लाइन पर बढ़ना है तो आपको यही उतरना पड़ेगा। साथ साथ अगर आपको विलुपुरम या वृद्धाचलम वाली लाइन पर जाना है तो भी कातपाड़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट जंक्शन बन जाता है। बाकी आप लोगों को बता दूँ, खाने पीने की सुविधाएँ यहाँ बहुत ही बेहतरीन मिलती हैं। अगर आप किसी भी नॉर्मल ट्रेन से ट्रैवल कर रहे होते ना तो आपके लिए बेस्ट स्टेशन होता है खाना पीना पिक करने के लिए। बाकी हमारी ट्रेन जो है यहाँ पर थोड़े से डिले के साथ पहुँची है, कोई इशू नहीं है। यहाँ से चेन्नई लगभग 130 किलोमीटर दूर है, यानी 130 किलोमीटर, और हम लोग को लगभग 2 घंटे का टाइम दिया हुआ है, तो बड़े मज़े से हम लोग चेन्नई भी पहुँच जाएंगे। शताब्दी एक्सप्रेस में यहाँ तक एक्सपीरियंस तो बढ़िया था। अब डिनर जो है वो सर्व होने जा रहा है, उसका भी रिव्यू करेंगे हम लोग। बाकी शताब्दी के यहाँ आते आते ही जो प्रोसीड सिग्नल है वो ऑलरेडी दिया गया, मतलब ऐसा नहीं है कि ट्रेन यहाँ पर आई है और थोड़ी देर बाद इसके लिए ग्रीन या येलो सिग्नल किया जाए। डायरेक्टली ट्रेन आई है, रेड सिग्नल था, जैसे ही रुकी तुरंत येल्लो, 2 मिनट का हॉल्ट टाइम, इस चीज़ का आप लोग ख्याल रखिएगा। तिरुपति वगैरह जाना चाहते हो तो यहीं उतर जाना, बहुत पास पड़ेगा यहाँ से। बाकी वेल्लूर यूनिवर्सिटी का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, काफ़ी फेमस है, वो यहीं पर है और बहुत सारे लोग इलाज के लिए आते हैं नॉर्थ से वेल्लूर में। तो वेल्लूर कातपाड़ी ही जगह है, एक ही बात है, तो इसलिए काफ़ी फेमस है स्टूडेंट्स के लिए भी और मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह के लिए भी। तिरुपति वाली लाइन जो है उस तरफ से निकल जाती है। पड़ी से ट्रेन निकली और तुरंत जो है अपना डिनर यहाँ पे लगा दिया गया है। अब देखते हैं डिनर में है क्या यहाँ पे, मतलब मटर पनीर की यहाँ पे सब्जी है जिसमें एक्चुअली में पनीर तो भर भर के पड़ा हुआ है और साथ में यहाँ पे दाल है, इसमें प्याज का और मिर्च का तड़का भी अच्छा खासा है। साउथ में है तो साउथ का टेस्ट तो आएगा ही। और यहाँ पे है सब्जी, ड्राई सब्जी, ये केवल आपको एग्जीक्यूटिव एंड अनुभूति क्लास में मिलेगी, चेयर कार में ये सब्जी नहीं दी जाती। अभी 2 पराठे हैं और साथ में राइस है बढ़िया सा, देखते हैं टेस्ट कैसा है। मेन चीज़ है ना कि सब्जी साउथ में कैसी बनती है मटर पनीर की, वो देख लेते हैं। पनीर तो यार मतलब अच्छी क्वांटिटी में डाला है, वो तो मैं कहूँगा, उसमें कोई भी कंडीशन नहीं की है। ठीक ठाक पनीर बनाई, मतलब कुछ खास नहीं स्वाद, और मिक्सर भी काफ़ी प्लेन सी लग रही है, देखते हैं स्वाद कैसा है। टेस्टलेस एकदम अजीब सी, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, एकदम टेस्टलेस है, अभी भी कुछ खास नहीं है, मतलब स्पाइसेस जैसा कोई स्वाद नहीं आएगा आपको। दाल का टेस्ट देख लेते हैं अभी कैसी है, इन सभी चीज़ों में ना एक
केवल दाल जैसी चीज़ें जिसमें मुझे स्वाद आ रहा है, जो लग रहा है खाने लायक है, बाकी कुछ भी वर्थ इट नहीं है। तो इसमें 10/5 या 4 रेटिंग देना चाहूँगा। देखने में अच्छा लग रहा है, प्रेजेंटेशन अच्छी है, और स्वाद 0, कोई स्वाद नहीं इसमें। जो स्वाद है वो एकदम काम चलाऊ सा है, मतलब ग्रेवी जैसा कुछ नहीं है, देखो पतला ही है। चलिए, बाकी साउथ में चावल अच्छा मिल जाता है तो वो अच्छी बात है। दही आपके पास ऑप्शन में, अचार है, चीनी आप मंगवा सकते हो, तो ऐसे कुछ करके आप खाना तो काम चला लोगे, बट अनुभूति के हिसाब से और एग्जीक्यूटिव के हिसाब से खाने का स्टैंडर्ड बहुत कम है, बहुत गंदे ढंग से मेंटेन किया। इससे ज़्यादा मुझसे नहीं खाया जाएगा, जो है इतना ही है मैं खा पाऊँगा, इससे ज़्यादा नहीं खा पाऊँगा। अब बाकी जो खाना है वो बर्बाद तो हो रहा है, बुरा तो लग रहा है, लेकिन ख़राब चीज़ें खा करके मैं अपना पेट भी भरना नहीं चाहता हूँ इन चीज़ों से। इससे अच्छा है मैं चेन्नई जा करके कोई फ्रूट जूस पी लूँगा या डोसा खा लूँगा किसी होटल में, पर ये सब तो नहीं हो पाएगा, कच्चे मटर और ये सब खाना, सॉरी गाइस। और अभी ऑलमोस्ट 8 बज रहे हैं, देखते हैं चेन्नई कब तक पहुँचते हैं हम लोग। अलपुजा धनबाद एक्सप्रेस को ओवरटेक करते हुए पैरेलल पे किया था वैसे, पर उसको सिग्नल नहीं दिया गया था, वो बात अलग है। लेकिन यहाँ पे हैंड सिग्नल दिखाया जा रहा है क्या ये? ये किसके लिए? अलपुजा धनबाद के लिए तो नहीं है। यहाँ पे आप लोग देख लो, बेसिन ब्रिज जंक्शन पे हम लोग, सामने कोई तो ट्रेन आ रही है, हैदराबाद चेन्नई सेंट्रल, वो दिल्ली वाली लाइन है और विजयवाड़ा वाली लाइन है, और हम लोग अभी बैंगलोर वाली लाइन से एंटर हो रहे हैं यहाँ पे। To the last 10, I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Just as surprised as you.
नियरली 359 किलोमीटर की दूरी को तय करके आ चुके हैं चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। शताब्दी को अलविदा कहने का समय आ चुका है। गाड़ी तो काफ़ी बढ़िया थी, यहाँ तक मतलब टाइम से आ गई, आप ये भी चीज़ कह सकते हो, पर वंदे भारत इससे आधे घंटे और कम समय लेती है। यहाँ पर खड़ी अपनी शताब्दी एक्सप्रेस, और इसके आगे देख लो कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं, कोई भी ट्रैक नहीं जाता है। लास्ट स्टेशन है चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, आगे समुंदर ही समुंदर है थोड़ा आगे जाओगे तो, इसलिए रेलवे ट्रैक आगे की ओर नहीं गए हुए। यहाँ पे बाकी और भी ट्रेन आप देख सकते हो। तो कुछ ऐसा बनाया गया है, बड़ा सा रूप है, बारिश से पूरा प्रोडक्शन है पूरे रेलवे स्टेशन का, काफ़ी विशाल का है, बहुत सारे लोग रोज़ाना यहाँ से ट्रैवल करते हैं। बहुत ही बड़ा रेलवे स्टेशन है साउथ का, देख लो कितना बड़ा डिस्प्ले बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर। इस जर्नी वीडियो का ये पेंट करते हैं, वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और आप लोग अगर चैनल पर नए हो ना तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसी और बहुत सारी जर्नी से लेकर के आता रहूँगा। मिलते हैं जल्दी नई जर्नी के साथ, नए एक्सपीरियंस के साथ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।